हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट है कैलकुलस। कैलकुलस में हम पढ़ रहे हैं अभी अवकलन, और अवकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, चैन रूल बता चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि आप सभी ने डिफ्रेंशिएशन के हमारे इनके पहले के वीडियो देखकर डिफ्रेंशिएशन करने में अच्छा कमांड कर चुके होंगे। तो अब हम डिफ्रेंशिएशन के अवकलन के इम्पॉर्टेंट पार्ट पर एंट्री कर रहे हैं, और वो है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन, मतलब उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब होता है बार बार अवकलन करना, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन उत्तरोत्तर अवकलन, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है? देखो, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको उसका संकेत बता दूं कि किस तरह से उसको संकेत करते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन को यदि हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और एन बार यदि अवकलन करें तो वो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। जैसे सपोज इसका रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, लिखते कैसे हैं अपन। सपोज वाई, अपने पास कोई फंक्शन है, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमारे पास कोई फलन है, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितने तरीके से कर सकते हैं। जैसे यदि हमने इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया, एक बार अवकलन किया, तो कैसे कैसे लिख सकते हैं। वाई को लिख सकते हैं वाई वन लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं वाई डैश, या इसको लिख सकते हैं डी वाई, या इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इतने संकेत हैं इसके, इतने संकेत हैं। मैं आपको सबसे पहले इसका संकेत पढ़ा रहा हूँ कि कितने तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। क्लियर? मतलब एक बार जब कोई फंक्शन अवकलन होगा तो उसको वाई वन लिख सकते हैं, या एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, या वाई डैश भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी इंटू वाई भी लिख सकते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स तो आप जानते ही हैं। क्लियर? मान लो इसको हमने सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन किया, यदि दोबारा किया तो वाई टू कहलाएगा, दोबारा वाई टू लिखेंगे, या हम लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स, या हम लिख सकते हैं वाई डबल डैश, या इसको लिख सकते हैं डी टू वाई, या इसको लिख सकते हैं डी टू एक्स। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में संकेत अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पांच तरीके से इसका संकेतन किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, कहीं ऐसा मिलेगा, कहीं ऐसा मिलेगा, सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब है दो बार अवकलन हुआ है। इसी प्रकार से यदि हमने क्या किया, सपोज हमने एंथ टाइम डिफ्रेंशिएशन किया, मान लो एन बार अवकलन किए, तो एन बार को इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में ऐसा लिखेंगे। यदि ऐसा लिखना होगा तो एफ डैश करके एन लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एन बार अवकलन हुआ है। यदि ऐसा लिखना हुआ तो वाई डैश एन लिखेंगे, और ऐसा लिखना हुआ तो डी टू द पावर वाई एन लिखेंगे, और ऐसा लिखना होगा तो ये डी एन वाई बाई एन डी एक्स एन ऐसा लिखेंगे। आ गया बात आपको समझ में? तो यहाँ पर हम और बीच में बहुत से एंट्री कर सकते हैं, थ्री टाइम्स, फोर टाइम, फाइव टाइम। तो ये आप ध्यान में रखना, ये आप नोट करके रखना कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हम इतने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बार बार अवकलन करना। क्लियर? बार बार अवकलन करने को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, ये आपका डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से 100% क्वेश्चन आपका आना है, 100% इसमें से क्वेश्चन आना है, और इसमें जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन की, बस है कुछ नहीं, अवकलन करना आपको आता है, एक बार करते थे उसको दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, चार बार, जितने बार बोलेंगे उतने बार करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि किसी फंक्शन को लेकर कोई रिलेशन प्रूफ करना, क्योंकि रिलेशन में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वो सब भी मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले ईजी क्वेश्चन लेके आपको बता दूँ कि बार बार अवकलन होता कैसे है। क्लियर? चलिए तो मैं ये इरेज करता हूँ, इतना आप समझ गए होंगे, या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करते हैं। देखिए,
एक क्वेश्चन ले लिया मैं यहां पर, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 6, तो उसका हमको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 और इसको कांस्टेंट के होते तक, मतलब इसको पूरा x के पूरा खत्म होते तक, कांस्टेंट होते तक हमको डिफरेंशिएशन करना है। एक सिंपल एग्जांपल है ये, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 इक्वल टू हो जाएगा 6x टू द पावर 5, y2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, y3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू एक्स टू द पावर 3, ये हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे ही बता रहा हूँ इसको मैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, y5 करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 हो जाएगा, और y6 करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स ये क्या बन गया, फैक्टोरियल 6, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको। तो देखिए जितने बार, मतलब x टू द पावर 6 6 बार अवकलन होकर क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, y6 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। लेकिन अब यदि आगे किया जाए, अब यदि आगे किया जाए, यदि y7 करूँ तो क्या हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, क्लियर। इस तरह से हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को बार बार करते हैं। ये क्वेश्चन कोई एग्जाम में आने को, बस इसमें बता रहा था कि बार बार अवकलन कैसे होगा, बाकी कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो y1 6x to the power 5, y2 6 into 5 into power, y6 में इतना ही आएगा ना, y2, y3, y4, y5, y6, x to the power 1 है, एक बार में हुआ पावर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और y6 में हो गया ये कंप्लीट कांस्टेंट हो गया, और y7 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ से आपको प्रॉपर समझ में आएगा, सीधा मैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर आता हूँ, और अब मैं शुरू करता हूँ ऐसे क्वेश्चन का सीक्वेंस, जो भी मैं आपको बताऊँगा आप मान के चलिए उसी में से ही आपके एग्जाम में आने के चांस हैं। तो इस तरह से इजी क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं सीधा सीधा, तो मैं इसलिए बताया कि आप समझो बार बार अवकलन कैसे होता है। तो अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन दे रहा हूँ जिसमें मैं होप करता हूँ कि आपके एग्जाम में, आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, इसी तरह के ही क्वेश्चन आएंगे, या हो सकता है इसी में से ही क्वेश्चन आए। तो एक एक क्वेश्चन आप देखते जाइए। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर एम एक्स, वाई इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एम एक्स, बी इंटू ई टू द पावर माइनस एम एक्स, ये हमको दिया है, और उसके लिए हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, इसको लेके हमको सिद्ध करना है, ऐसी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल एम स्क्वायर वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जिस भी राइटर का बुक कंसल्ट करते होंगे तो आज मैं जितना क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन उस बुक में आपको मिलेंगे, क्योंकि ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसी तरह के एग्जाम में आते हैं। तो y इक्वल टू इतना दिया है और ये आपको प्रूफ करना है, तो नेचुरली आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखने से पता चलता है कि ये दो बार अवकलन हुआ है, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो सीधी सी बात है, हम अपने क्वेश्चन को लेते हैं और दो बार उसको अवकलन करते हैं, लेकिन हमको लाना है ये, तो थोड़ा एडजस्टमेंट को ध्यान देना है। अभी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा उससे आप समझ जाओगे, चूंकि y इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एम एक्स, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट, यदि हम इसको डिफरेंशिएट किए तो हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एम एक्स, ये हो जाएगा दैट इक्वल। अब इसका हम अवकलन करें तो a कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, और e टू द पावर एम एक्स में इसको t सपोज करके, मतलब चैन रूल से करोगे तो m बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा e टू द पावर एम एक्स, और ये हो जाएगा, ये माइनस बाहर आएगा तो बी एम ई टू द पावर माइनस एम एक्स, ये एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया। अब यहीं पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फटाफट तुरंत डिफ्रेंशिएट करने के बजाय
तुरंत फटाफट डिफ्रेंशिएट करने के बजाय इसको हम एक बार देख लेते हैं कि वास्तव में किस फॉर्म में आया। तो यहाँ पर देखो, दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, दोनों में से जो कॉमन है उसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन है क्या, कुछ क्या कॉमन है, एम। तो एम कॉमन है, यहाँ से एम को हमने कॉमन कर लिया और अंदर बच गया क्या, ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स माइनस बी ई टू द पावर माइनस एम एक्स, और नहीं कुछ कर सकते इसको, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमको दो बार लाना है, तो क्या लिखेंगे अपन इसको, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल एम कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे। अब इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये हो गया ए, और इसका डिफ्रेंशिएशन एम इंटू ई टू दी पावर एम एक्स माइनस, फिर सामने आके प्लस हो जाएगा बी एम इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, ये होगा दैट इक्वल, दोनों में से एम कॉमन होके एम के साथ ये मल्टीप्लाई होकर एम स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर बचेगा ए इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू दी पावर। इजी क्वेश्चन है लेकिन ये आता है, मैं इजी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये हो गया, अब आप क्वेश्चन से देख सकते हैं एम स्क्वायर ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है, वाई इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई, और ये हो जाएगा प्रूफ्ड, ये प्रूफ हो गया क्योंकि इसके इक्वल टू हमको ये प्रूफ करना था, क्लियर। तो आसान क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन आता है और ये पैटर्न है, ये इसी पैटर्न के ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कुछ इसी पैटर्न के क्वेश्चन अपन करते हैं, प्रूफ करने वाले ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन है, y इक्वल टू ई टू दी पावर एम टेन इनवर्स x। अब जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको बताऊँगा सब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट को केयर करना है कि हमको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद प्रूफ करने वाले फॉर्म में कैसे लाना है। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, y इक्वल टू ई टू दी पावर टेन इनवर्स x, y इक्वल टू ई टू दी पावर टेन इनवर्स x, और इसमें प्रूफ करना है अपने को वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स माइनस वन वाई वन, टू एक्स माइनस वन इंटू वाई वन इक्वल टू जीरो। ये हमको प्रूफ करना है, और ऊपर में दिया है हमारा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो अभी मैंने आपको जो संकेत बताया स्टार्टिंग में, जो आपको संकेत बताया कि किस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट को संकेत करते हैं, तो यहाँ आप प्रूफ करने को देख के समझ सकते हैं। यहाँ पर y टू y1 मतलब इसको इस रूप में लिखना है और दो बार अवकलन करना है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को लिखें और एक बार पहले अवकलन करें, चूँकि y इक्वल टू ई टू दी पावर टेन इनवर्स x। नाउ डिफ्रेंशिएट, इसके यदि डिफ्रेंशिएशन करें तो यहाँ पर अब dy बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, अब इस सिंबल में चलेंगे, इस संकेत में चलेंगे। तो एक बार अवकलन होगा तो क्या लिखेंगे उसको, y1। ये संकेतों को ध्यान रखना, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने पूरा चार्ट बता दिया आपको संकेत का, ठीक है। तो y1 इक्वल टू ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर टेन एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स। दैट इम्प्लाइज वाई वन इक्वल, ये इसको चैन रूल से x सपोज करोगे तो ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x होगा, और इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने उसको चैन रूल से, बाकी आप समझते हैं, पीछे का डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखो कि वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू का कोफिशियंट है, गुणांक है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं अपन। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा वाई वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा e टू दी पावर टेन इनवर्स x। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अपने को ऊपर से वैल्यू को ला के पुट करते जाना है। इसको मैंने इसके पास ट्रांसफर कर दिया,
और e टू दी पावर टेन इनवर्स x क्या है ये y, तो e टू दी पावर टेन इनवर्स मत लिखो वहां पर, वहां पर क्या लिखो उसको y लिखो। इस तरह से हर बार डिफ्रेंसिएशन के बाद अपने को पीछे से देखना है कि हम वहां पर कौन सा वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, उसको आसान कर सकते हैं, और प्रूफ करने वाले पोर्शन को देखते रहना है। क्लियर? तो अब यहां पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें अगेन। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट, यदि हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करें तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन और इक्वल टू यहां पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। दैट इंप्लाइज ये हो गया वाई वन और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन का जब दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या बन जाएगा ये वाई टू बन जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं वाई वन। एक बार अवकलन को वाई वन लिखते हैं। दैट इंप्लाइज अब इसको एडजस्ट करो, इसको यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इसको पहले लिख लिया वाई टू प्लस ध्यान देना यहाँ से वाई वन और ये वाई वन यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा टू एक्स और ये माइनस वन इक्वल टू जीरो ये प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए एडजस्टमेंट बस को ध्यान रखना है, ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करो, दो बार करो, तीन बार है तो तीन बार करो और जिस फॉर्म में उसको प्रूफ करना है उस फॉर्म में लाना है, ये है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ और आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसके बाद आप और प्रैक्टिस कर लेंगे तो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन आपसे अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसमें, या आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका, मैं नए क्वेश्चन पर चलता हूँ। ओके, देखो एक बार यदि किसी स्टूडेंट को अवकलन अच्छे से आ गया, यदि वो चैन रूल अच्छे से समझ गया तो किसी भी क्वेश्चन को वो आसानी से बना सकता है। ठीक है, तो बेसिक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो y इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, आसान है, y इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स और हमको प्रूफ करना है डी टू वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको गिवन है। यह भी आसान है, देखो चूंकि y इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स। क्लियर, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो। नाउ डिफ्रेंशिएट, संकेत इस रूप में लिखना है तो हमने लिख दिया dy वाई बाई डी एक्स, इधर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और यह हो जाएगा माइनस थ्री साइन एक्स। सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब इसको कुछ नहीं कर सकते, अपने को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्योंकि साल में कुछ हो नहीं रहे। तो नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट, पुनः अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा अपने को, ये मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू का टू कॉस एक्स का हो जाएगा क्या माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया और यहाँ पर माइनस थ्री कॉस साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स हो गया। दैट इम्प्लाइज यहाँ से हम लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, दोनों में से यदि हम माइनस को कॉमन कर लें तो माइनस कॉमन करने पर ये हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस और टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स इक्वल टू ये वाई हो जाएगा, वाई लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो और ये रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से देखो कुछ भी नहीं करना है, एक बार दो बार जितने बार अवकलन करना है और एडजस्टमेंट कर देना है। तो आसान है, आपका इसमें प्रैक्टिस होना चाहिए बस अच्छे से। कुछ थ्री टाइम्स वाले क्वेश्चन आपको बता देता हूं। देखिए कई क्वेश्चन में अपने को तीन बार करना होता है,
ये क्वेश्चन है हमारा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, और प्रूफ करना है अपने को डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू टू अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन है, ये आपको प्रूफ करना है। चलें फिर तीन बार कर दो, बस कुछ नहीं करना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये u इंटू वी से होगा, तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इम्प्लाइज dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स, और प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का कितना होएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पर एक x इसके साथ में कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, दैट इम्प्लाइज dy वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये x बचा यहाँ से x प्लस यहाँ से 2x को मैं सामने लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा 2x इंटू लॉग एक्स। क्लियर? अब दोबारा करना है अपने को, दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें अपन यहाँ पर, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स का हो जाएगा 1 प्लस 2 कांस्टेंट है, और इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा, तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स डायरेक्ट लिख दिया मैं 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, इस तरह से लिख सकते हैं अपन, दैट इम्प्लाइज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2, और प्लस ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स, ठीक है, ये दोनों सम होके 3 हो गए, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ठीक 1 प्लस 2 3। अब फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 3 का 0 हो गया, और प्लस 2, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, दैट इम्प्लाइज, देखो ये प्रूफ हो गया, मतलब आप यहाँ पर समझ रहे होगे कि कुछ नहीं करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ये प्रूफ हो गया। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपको ओनली डिफ्रेंशिएशन करते जाना है। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है y इक्वल लॉग x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपको प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू 0 प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको गिवन है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो चूंकि y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दे, तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अब इसको मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ना, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर संकेत y2 के फॉर्म में है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ y1, ऐसा आप लिख सकते हैं, क्योंकि संकेत मैं आपको बता चुका कैसे लिखना है, प्रूफ करने वाले को देखना है, प्रूफ करने वाले में जो संकेत दिया है वही संकेत हमको यूज़ करना है। तो ये y1 इक्वल टू, इसको लॉग x सपोज करो, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया लॉग x का 1 अपॉन x, और इन टू ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पर हम क्या करें, देखो यहाँ पर ये वाले टर्म्स को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये हो जाएगा
या अभी रहने दो, फिर ट्रांसफ़र करेंगे। वाई वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो एक्स का हो जाएगा वन प्लस, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स के डिफ्रेंशिएशन से, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन टू रूट एक्स और इनटू ये अंदर का दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा, ये टू एक्स हो जाएगा। ये सब आपको फटाफट समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं बोला था कि चैन रूल में अच्छा कमांड करो, ये सब चैन रूल अप्लाई कर रहा हूँ मैं। यहाँ किसी भी स्टूडेंट को यदि परेशानी हुआ होगा, यदि किसी को भी यहाँ के डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत हो रहा होगा, तो उनको मेरा बार बार सजेशन है कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, आप पुराने वीडियो देखिए, सब मैंने वहाँ पर बताया है कैसे डिफ्रेंशिएट होता है। दैट इम्प्लाइज वाई वन इक्वल वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको हम यहाँ पर सरल करें, सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पर आप देखो क्या क्या होने वाला है, ये टू को टू के साथ में कैंसिल करा दो और ये निकलेगा लघुत्तम, एलसीएम ये निकलेगा, तो एलसीएम लिख दिया इसको मैं रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो वन के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, ये होगा रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ से क्या बचेगा एक्स, क्लियर यहाँ तक। अब देखो ये कितना अच्छा फॉर्म में आ गया कि ये वाला जो पोर्शन है वह इस पोर्शन के साथ में कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और अपने पास बच गया ये वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज वाई वन इक्वल, और कोई टर्म तो छूटा नहीं ना, वन प्लस टू एक्स, टू टू कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल, वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाई वन इक्वल टू। अब यहाँ पर आप क्या करो, इसको वाई टू इसको चाहिए तो हम वन रूट ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या क्या करो इसका दोनों साइड में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दिए, तो दैट इम्प्लाइज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, क्लियर। दैट इम्प्लाइज अब हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो हो जाएगा वाई वन स्क्वायर इंटू, बनाने के बहुत तरीके हैं, इक्वल टू जीरो, इधर वन कर दिया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया, वन हो गया, बनाने के बहुत तरीके हैं, चाहते हैं तो वहीं पर डिफ्रेंशिएट कर सकते थे यहाँ पर भी डिवीज़न वाले फार्मूला से, तब भी बनेगा, लेकिन मैं दूसरे ढंग से कर दिया, चाहते तो यहीं पर फिर अवकलन करते तो वाई टू बनता और इसका वन अपान का भाग वाला सूत्र लगता, तो तरीके बहुत हैं डिफ्रेंशिएशन में, जैसा बना लो। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट, दोबारा अवकलन करने पर अब ये यू इंटू वी सी होगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब वाई वन स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन स्क्वायर इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, जीरो हो गया। दैट इम्प्लाइज वाई वन स्क्वायर इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, वाई वन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स टू द पावर एन से होगा, तो एक्स टू द पावर एन से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो टू वाई वन इंटू डी वाई वन बाई डी एक्स, मतलब क्या हो जाएगा वो वाई टू, कैसे क्या समझ में आया, ये एक्स टू द पावर एन का टू एक्स और वाई वन का दोबारा डिफ्रेंशिएशन वाई टू। दैट इम्प्लाइज पूरे रिलेशन से, ये मैं आसान कर दिया, डिवीजन का फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या किए, पूरे इक्वेशन में हम वाई वन डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, पूरे इक्वेशन में टू वाई वन डिवाइड कर देते हैं, टू वाई वन, ध्यान रखना, टू वाई वन डिवाइड किया तो यहाँ पर टू कैंसिल हो गया, वाई वन डिवाइड किया तो क्या हो गया एक्स इंटू वाई वन बचेगा प्लस टू वाई वन डिवाइड किया ये गायब हो गया और बचेगा वाई टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना है, देखो ये मैं इसको ऑर्डर में लिख दूँ प्रॉपर, इसको पहले लिख दूँ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू और प्लस ये है एक्स वाई वन, एक्स वाई वन इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन प्रूफ होते हैं, बहुत आसान है, बस आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए। यहाँ पर कोई फार्मूला लगा देगा किसका, यू अपॉन वी का,
तो भी आसानी से बन जाएगा, यहाँ पर मेथड दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरफ को वर्ग किया, यहाँ पर भी मैं दूसरे मेथड से बगल में लिख देता हूँ, हो सकता है आपको कंपेरेटिवली लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डिवाइड का फार्मूला लगा रही हूँ अपॉन वी का, तो यहाँ पर ब्लूइंग्स लिख रहा हूँ, ध्यान देना। नाउ डिफ्रेंशिएट, तो वाई वन क्या बन जाएगा, वाई टू, शायद ये इससे आपको आसान लगे ऐसा मुझे लगता है। तो वाई टू इक्वल टू फार्मूला लगाएगा यू अपॉन वी का, तो क्या होता है, वी मतलब रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, तो यू यहाँ पर वन है तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन हो गया जो कि जीरो हो जाएगा, और माइनस माइनस फिर वन और माइनस वन और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर ये होगा, और इसका वर्ग नीचे में होता है वी स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आसान होगा। y2 इक्वल टू, अब क्या किया, ऐसा मत करो, अब सीधा इसको इधर ट्रांसफर कर दो इसके पास, तो क्या हो जाएगा, y2 वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल, ये जीरो होके पूरा जीरो हो गया, और यहाँ से बचेगा क्या, माइनस, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन तो रूट का, ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा करोगे तो टू एक्स हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, दैट इम्प्लाइज वाई टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल, ये टू टू कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस ये हो गया एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन में देखो हमको लाना है क्या, एक्स वाई वन, हाँ यहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट थोड़ा अलग ढंग से करना पड़ेगा। देखो कैसे, वाई टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ से देखो, यहाँ से वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन है, तो वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन लिखोगे, तो एक्स इंटू वाई वन, मतलब ये वाले वैल्यू को आपको यहाँ पर पुटअप करना पड़ेगा। तो सबका अपना अपना तरीका है, तो अब इसको मैं इधर, ये माइनस है ना सामने, यहाँ पर सामने माइनस लगा हुआ है, इसको इधर ट्रांसफर कर दूँ तो दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू, इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू जीरो, यही बात प्रूफ होगा। अब आपको इसमें से जो भी मेथड आसान लगा होगा, मैं एक एग्जांपल बता दिया कि यदि आपका कैलकुलस में अच्छा कमांड है तो कहीं भी आप कुछ भी अपने तरीके से डिफ्रेंशिएट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है या बुक में दिया है, आप ओवरऑल अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आपको समझ में आना चाहिए कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन आसानी से बनेगा। क्लियर, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से ध्यान रखना मैंने डाइवर्ट किया है दूसरे मेथड से, यहाँ तक सेम रहेगा, ये मेथड है जो आपको बेटर लगा होगा ये कर सकते हैं। चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, तो अब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद और कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, और डिफरेंशिएशन पर आप अच्छे से कमांड कीजिए। लास्ट में मैं आपको एक बात ये बोल दूं कि आपको यदि डिफरेंशिएशन तेज़ी से नहीं हो रहा है, आप कहीं पर अटक जा रहे हैं, तो बार 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 आप मेरे पीछे के वीडियो को देख के जो मैंने चेन रूल वगैरह समझाया था उसको अच्छे से रिविज़न करिए, रिपीट करिए। ओके, थैंक यू।